अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों और शाहनवाज, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह मम्मा, वेलकम टू आवर चैनल ग्रीन्स एंड रोज़ेस। ओके दोस्तों और शाहनवाज, आज हम पता है क्या कहानी सुनेंगे? एक गधे की कहानी। गधा क्या होता है? आई डोंट नो। गधा कहते हैं डोंकी को, और डोंकी कैसे बोलता है? नहीं, ऐसे तो घोड़ा बोलता है। डोंकी कैसे बोलता है? I don't know. उर्दू में आवाज होती है डोंकी की, डींचू डींचू। कैसे बोलता है? नींचू नींचू। ठीक है, तो डींचू डींचू की आवाज से बोलता है। तो ऐसा हुआ कि एक दफा का जिक्र है कि एक गधा था और वो हमेशा रोता ही रहता था अपने नसीब को। गधे कैसे रोते हैं? डिंगो डिंगो डिंगो। डिंगो नहीं, डींचू डींचू करके। कैसे रोते? डिंगो नहीं, डींचू नींचू डींचू। तो वो हर वक्त अपने नसीब को रोता रहता था। कहता था डींचू कहता था कि अल्लाह मियाँ ने मुझे इतना गधा बनाया हुआ है, मैं सारा दिन गधे की तरह काम करता हूँ, मेरा जो मालिक है, मेरा जो ओनर है, वो एक मजदूर है। हाँ जी, व्हाट डू गधास डू? वो गधा जो होता है, लामिया ने उसको हैवी सामान उठाने के लिए बनाया होता है। वो सामान अपनी कमर के ऊपर उसके ऊपर रख देते हैं और फिर वो चलता जाता है, और फिर वो अपने मालिक की यानी कि अपने ओनर की हेल्प करता है। तो वो एक बिल्डर का गधा था, यानी कि एक मजदूर का गधा था जो कि घर बनाता था। वो सारा दिन उसकी ईंटें अपने कमर पर लाता और फिर उसकी हेल्प किया करता था। और गधा सारा दिन रोता रहता था, डींचू डींचू करके सारा दिन रोता रहता था कि देखो मेरी जिंदगी कितनी खराब है, मुझे गधा बना दिया, मेरी जिंदगी कितनी गधों वाली है ना। तो एक दफा वहां से क्या हुआ, एक हनी बी गुजरी, और हनी बी ने उसको पता है क्या कहा? हनी बी ने कहा, गधे तुम क्यों रो रही हो? तो गधे ने कहा कि मैं, मुझे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मैं गधों की तरह सारा दिन काम करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, फिर मुझे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और मैं मज़दूर मुझे लगता है कि मैं हूँ। तो उसने कहा तुम अपनी ज़िंदगी बदल लो। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा मेरा तो नसीब ही बहुत ही गंदा है, तो मैं कैसे अपना नसीब बदल सकता हूँ? तो हनी बी ने कहा कि तुम जब नस्बतें बदलोगे तो अपना नसीब भी बदल सकोगे। तो नस्बतें कहते हैं एसोसिएशन को, यानी कि आपकी जिसके साथ अच्छे लोगों को अगर आप चूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप अच्छे हो जाएंगे, अगर आप बुरे लोगों को या बैड पीपल को या हार्ड वर्कर्स को चूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप उनके जैसे हो जाएंगे। तो हनी बी का कहने का मकसद था कि तुम अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लो, यानी कि अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज करो जिसकी वजह से तुम्हें ये मजदूरी ना करनी पड़े। तो उसके बाद हनी बी ये कह के उड़ गई। हनी बी का मतलब था कि तुम अपनी नस्बतें बदल लो, यानी कि अपने अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको बदल लो। अच्छा, तो हनी बी उसके बाद जब वो उड़ के चली गई वहाँ से, तो गधे ने बताया क्या सोचा? गधे ने सोचा मैं यहाँ से ना आधी रात को भाग जाऊँगा और अपने इस मालिक को मैं छोड़ दूँगा। और उसके बाद उसका मालिक आधी रात को जब सो रहा था तो गधा वहाँ से बगैर ढींचू ढींचू किए भाग गया। Without making a single noise? हाँ जी, और फिर रास्ते में उसको एक और आदमी ने पकड़ लिया, और फिर वो उसके साथ, उसने सोचा ये आदमी बड़ा अच्छा होगा, वो उसके साथ चला गया। और उसके बाद गधा जो था गधे का गधा ही रहा, और सारी उम्र उस आदमी के साथ उसका काम करता रहा, क्योंकि वो एक कुम्हार था वो आदमी। कुम्हार कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो उस सारा दिन वो मिट्टी उसकी कमर पे लाता और वो अपने घर पे लेके जाता मिट्टी, फिर वो वापस आता, फिर कमर पे उसकी मिट्टी डाल देता, और वो फिर वैसे का वैसे ही रोते का रोता ही रहा, क्योंकि उसने हनीबी की बात को समझा ही नहीं था कि हनीबी की बात का क्या मतलब था, है ना? हाँ जी। That when next night the Malik was sleeping, he ran to another one. नहीं, this time he could not, because उसकी जो अकल थी वो गधों वाली थी, वो अगर भाग भी जाता तो उसने फिर भी गधे का गधा ही रहना था। तो हमेशा अपना, अगर कभी आपको अपनी लाइफ में परेशानी है तो आप अपनी नस्बतें बदल दें, नस्बतें बदल दें यानी कि आप अपने फ्रेंड्स बदल दें, अच्छे वाले फ्रेंड्स को चूज़ कर लें। मुमकिन है कि अच्छा वाला कोई फ्रेंड आपको मिले और वो आपकी हेल्प करे और आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, यानी कि आपको उस मुश्किल से निकाल ले जिसमें से आप गुजर रहे हैं।
तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि आप अपनी निस्बत से पहचाने जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब भी आप कभी शहद को देखेंगे तो आपको क्या याद आता है? जब भी हम शहद को देखते हैं तो हमें हनी याद आता है, सॉरी हनी भी याद आती है, या फिर हमें फ्लावर्स याद आते हैं कि शहद जो होता है ये हनी भी बनाती है, या फिर शहद जो होता है ये फ्लावर से मिलके बनता है। तो इसका मतलब है कि फ्लावर्स और हनी भी की आपस में और शहद की आपस में निस्बत है। इसी तरह से अगर हम बिन को देखें तो हमें क्या याद आता है? नथिंग। बिन को देखें तो हमें कूड़ा याद आता है, गार्बेज मैन याद आता है कि जो पिक करता है ना, ऑल द बैड थिंग्स याद आती हैं। तो स्पेस, हाँ जी, तो जब भी अगर हम बिन में कोई चीज़ डालेंगे तो इसका मतलब है कि हमें वो चीज़ जो है उसकी निस्बत कूड़े से हो गई है। अच्छा, स्पेस, अगर हम स्पेस को सोचें तो हमें क्या याद आता है? प्लैनेट्स याद आते हैं, और रॉकेट शिप्स। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि इन सब की आपस में निस्बत है। और स्टार्स। हाँ जी, स्टार्स, मून, सन, तो हमेशा अच्छी निस्बतें रखें। हाँ जी, ऑल्सो नेपच्यून। नेपच्यून, हाँ जी, वो भी एक प्लैनेट है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की बात समझ में आई होगी कि निस्बत क्या होती है। हाँ जी, वॉशिंग मशीन पे हम देखेंगे तो हमें क्या याद आएगी उससे रिलेटेड, क्या क्या चीजें? वॉशर, कपड़े याद आएंगे लॉन्ड्री वाले, है ना, जो मैले कपड़े होते हैं जिनको। हाँ जी, तो डिश वॉशर को देखेंगे तो बर्तन याद आएंगे। अब चुप कर जाओ, ठीक है? तो अब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों को ये बात समझ में आई होगी। तो अगर कभी भी आपकी कंपनी में कोई बैड पर्सन है जिसकी आदतें अच्छी नहीं है, मुमकिन है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको ख़राब कर रहा हो, तो हमेशा ऐसे पर्सन को छोड़ दें, ऐसे बच्चे को, ऐसे दोस्त को छोड़ दें जिसकी वजह से आप में बुरी आदतें आ सकती हैं। और इसी तरह से अगर आपकी क्लास में कोई अच्छा बच्चा है, अगर कोई दोस्त आपका अच्छा है, उसके पास चले जाएं, उससे बातें करें, उसको अपना दोस्त बनाएं, क्योंकि अच्छे बच्चे जो होते हैं वो दूसरों को भी अच्छा बना देते हैं, है ना शाहनवाज? तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए लाफिस। हाँ जी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आई पिक एडम एस्को बिकॉज़ ही इज अ नाइस वन, नॉट अदर पीपल। अच्छा, गुड बॉय, आप भी अच्छा बच्चा हो, ठीक है? चलो, अल्लाह हाफिज दोस्तों। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, और क्लिक टू सब्सक्राइब इट। हाँ जी, अल्लाह हाफिज, और पुट थम्स अप। ओके।